शेषनाग का पूरा नाम शेषदात्त नाग था। उनके पूरे नाम की जानकारी हमें ब्रिटिश म्यूजियम में रखे सिक्कों से मिलती है। शेषनाग ने विदिशा को राजधानी बनाकर 110 ईसा पूर्व में शेषनाग वंश की नींव डाली। शेषनाग की मृत्यु 20 सालों तक शासन करने के बाद 90 ईसा पूर्व में हुई। उनके बाद उनके पुत्र भोगिन राजा हुए, जिनका शासन 90 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व तक था। फिर चंद्रासु और फिर धम्मवर्मन, फिर आखिर में बंगर ने शेषनाग वंश की बागडोर संभाली। इस प्रकार शेषनाग वंश के कुल मिलाकर 5 राजाओं ने कुल 80 सालों तक शासन किया। इन्हीं 5 नाग राजाओं को पंचमुखी नाग के रूप में बतौर बुद्ध के रक्षक कनेरी गुफा में दिखाया गया है। जिन बुद्ध की प्रतिमाओं के रक्षक 7 मुखी नाग हैं, वे पंचमुखी नाग वाली प्रतिमाओं से कोई 350 साल बाद की है।